नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी। मैं हूँ हरीश और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ आयतन का ही लास्ट पार्ट। हालांकि इससे पहले मैंने जो पार्ट लाया था शंकु का वो लास्ट था, लेकिन लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि इस पर भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए। इसमें हम गोला प्लस शंकु को मिक्स करके पढ़ेंगे, बेलन प्लस गोला को मिक्स करके पढ़ेंगे और गोला प्लस शंकु प्लस बेलन इन सभी को कम्बाइंड करके उनके क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका हर टाइप का क्वेश्चन कम्प्लीट हो सके। तो विशेष लोगों ने हमें से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज इस पर भी वीडियो बनाए, इसलिए मैं इस चैप्टर को लाया हूं और ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, आयतन का ये लास्ट वीडियो है। तो आइए आप शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी बराबर हों तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात करो। यानी यहां पर स्पष्ट दिया है, जैसे कि ये अर्धगोला है, ये क्या है, अर्धगोला है, यह नीचे क्या रहेगा, एक वृत्त रहेगा, उसी प्रकार से शंकु में भी क्या रहेगा, एक वृत्त रहेगा। तो जितनी इस वृत्त की त्रिज्या होगी उतनी इस वृत्त की त्रिज्या होगी, ये क्या है, क्योंकि यहां पर दिया गया है कि ऊंचाइयां भी बराबर है, तो ये ऊंचाई इसकी किसके बराबर होगी, त्रिज्या के। तो यानी ये आर और ये आर, तो इसकी भी क्या होगी, त्रिज्या के। तो यहां मतलब आर 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 ये सभी बराबर है, तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात करो। तो बहुत ही सिंपल है, हम यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिख देंगे। उसके नीचे क्या लिख देंगे, उसके नीचे क्या है हमारा, शंकु का वक्र पृष्ठ। यही तो हमें ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो अब यहाँ पर इसके मान रख देते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है 2πr² ये होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr(l). क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक चीज तो है कि हमें ये आर पता है, ये भी पता है, लेकिन ये नहीं पता, जबकि यहाँ चाहिए क्या है, एल चाहिए है। तो हम इसको कैसे मान रखेंगे, तो हम यहाँ से इसको पहले सॉल्व करेंगे। एल निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस, और यहाँ ये भी आर है तो आर का स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके पास, आ गया 2r² आ जाएगा, आर रूट एल बराबर क्या हो जाएगा, आर बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे √2 अंदर बचा। क्लियर। तो L का मान आ गया हमारे पास √2। तो L के स्थान पर हमें क्या लिख देना है, 2πr² बटे पाई और R, और L के स्थान पर लिखना है R R और √2, ठीक है ना। तो देखो ये R R R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अब बचा क्या, बचा 2/√2। तो यहां पर इसको √2 और √2 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ √2 है तो ये क्रॉस हो गया, मतलब आंसर क्या बचा आपके पास, √2/1, मतलब इसका रेशियो क्या आ गया, √2:1, ये आ गया आपका वक्र पृष्ठों का अनुपात। यही तो इसने पूछा था। क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और गोला की त्रिज्या a है। एक लंब वृत्तीय, हमने पहले शंकु बना दें, शंकु की त्रिज्या ये क्या है, a है, और उसी प्रकार से क्या कह रहा, गोला की त्रिज्या a है, गोला बना दो, एक गोला बना दिया हमने और उसकी त्रिज्या भी क्या है, a है। उस गोलक और शंकु के आयतन भी समान हैं, मतलब इसका आयतन क्या होंगे, बराबर हैं, तो उस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, यानी इसकी h हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे निकाल, सबसे पहले उसने क्या दिया, ये त्रिज्याएं बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कह रहा आयतन बराबर है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन, ये लिख दिया हमने शंकु का आयतन, ठीक है, और बराबर क्या करना है, गोले का आयतन, बस यही तो करना है, गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर वर्ग एच, हमने बताया था कि जो बेलन का क्या होता है, 1/3 होता है, तो ये हो गया बराबर, गोले का आयतन क्या दिया था, 4/3 और पाई आर क्यू। तो देखो यहां से अगर हम पाई से पाई कैंसिल कर दें, 3 से 3 कैंसिल कर दें, और यहां से आर स्क्वायर से आर क्यू से, मतलब ये 1r बचेगा, ठीक है ना। तो यहां बचा क्या, अब यहां हमें h ही तो ज्ञात करना था ना, तो h बराबर क्या आ गया, 4r, h बराबर क्या आ गया, 4r। तो यहां पर r का मान क्या है, a के बराबर है,
तो यहां पर अगर हम आर का मान रख दें तो आर बराबर क्या था ए, तो एच बराबर क्या आ गया 4a, मतलब इसकी ऊंचाई क्या होगी 4a के बराबर होगी। क्लियर, इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो जैसा वो कहता जाए वैसे करते जाओ आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का अधिकतम आयतन का शंकु बनाया गया है, शंकु का आयतन कितना होगा। तो यहां भी इसको समझते हैं, 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले से, तो ये गोला बनाया और उसमें क्या कर दिया हमने 14 सेंटीमीटर इसका क्या है व्यास है, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया व्यास। इससे 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का अधिकतम आयतन का शंकु बनाया गया है, तो यहां पर समझने वाली बात है कि जो शंकु बनेगा इसी गोले से उसकी ऊंचाई क्या होगी अधिकतम 7 सेंटीमीटर। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि शंकु की ऊंचाई कितनी चाहिए हमें 7, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी है, जबकि हमें दिख रहा है स्पष्ट व्यास 14 है, तो त्रिज्या कितनी होगी गोले की 7 सेंटीमीटर। और ये यहां पर इसका ऐसे गोल है ना, हम पता है कि ये गोल है, गोल है मतलब ये ठोस है, और इसी से हमें एक शंकु बनाना है, और वो भी कितना अधिकतम आयतन का और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का, मतलब जितनी त्रिज्या है गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाना है। तो यहीं पर हमने मतलब त्रिज्या के बराबर क्या होगी शंकु की ऊंचाई होगी, तो शंकु का आयतन कितना होगा। तो यहां से देखो ये भी त्रिज्या भी 7 है और ये ऊंचाई भी 7 है, बस अब आप आराम से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 φr² h। तो यहां से देखिए अब इसमें हम मान रख देते हैं 1/3, वैसे क्या वैसे ही लिख दो, पाई का मान क्या है 22/7 लिख दो, इसके बाद आर का मान क्या है हमारे पास 7 है तो 7 लिख दिया स्क्वायर, इसके बाद एच का मान कितना है 7 है तो एच का मान भी हमने 7 कर दिया। अब यहां से देखो 7 से 7 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका 47 49 49 का 22 में इंटू करेंगे तो 359 हो जाएगा, इसके बाद इसमें नीचे क्या बचा 3, इसका भाग दे देंगे तो जो आंसर आया वो लिख देंगे, या फिर ऐसे ही लिखा रहने दो मीटर क्यू, क्योंकि आयतन है इसलिए मीटर का क्यू लगेगा। क्लियर, इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक गोले के व्यास तथा शंकु की ऊंचाई में 1:2 का अनुपात है, यदि दोनों की आयतन समान हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां मैंने बता दिया सबसे पहले एक गोला, ठीक है, और गोले का व्यास दिया है मान लीजिए x मान ले हम, क्योंकि उन्होंने रेशियो क्या दिया है 1:2, तो और इसके बाद क्या है एक शंकु बनाया हमने, इस शंकु और शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई है उसमें कितना मान लेंगे हम, ऑटोमेटिक 2x हो जाएगी उसकी ऊंचाई, क्यों, क्योंकि उनका रेशियो दिए है 1:2, यानी उसके व्यास गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई में 1:2 का अनुपात है, तो हमने कर दिया इसको मान लीजिए x, तो ये हो जाएगी 2x। क्लियर, इसके बाद कहा है यदि दोनों की आयतन समान हो तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो, तो अब दोनों के आयतन समान हो तो इसका आयतन क्या होता है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन हम जानते हैं अभी अभी हमने किया था 4/3 πr³, तो यहां से इसकी r की वैल्यू क्या आ जाएगी r/2 यहां से, ठीक है, और इसका आयतन किसके बराबर है शंकु के आयतन के बराबर है, और शंकु का आयतन कितना है 1/3 πr² h, ये भी हम जानते हैं। क्लियर, तो पहले तो यही काट दो, पाई से पाई कैंसल और 3 से ये 3 कैंसल, तो इसके बाद हम इसका मान रख दें 4 लिख दिया हमने, और गुणे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी x/2 × x/2 × x/2, ये होगी क्योंकि r का q है, इक्वल हमने कर दिया r का, यहाँ पर r वर्ग है तो हमें नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं r का वर्ग ही लिख दो, और h की वैल्यू हमारे पास दी है 2x तो हमने लिख दी 2x। देखो x से एक x तो ये कैंसिल हो गया, क्लियर, इसके बाद देखो क्या कैंसिल हो रहा, 2 × 2 = 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, इसके बाद बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचा x का स्क्वायर,
क्लियर। और यहां क्या बचा है, ये दो बचा है, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 4r² क्लियर। अगर हम थोड़ा एक बार इसको करें कि ये r की वैल्यू यहां से निकालनी है हमें, तो इसको नीचे ले आएंगे 4 को, तो यहां से क्या हो जाएगा x² / 4 बराबर r² ठीक है। अब हम क्या करें, इसको क्या कर सकते हैं हम, अगर r की वैल्यू यहीं से हमें चाहिए है तो इसका वर्ग दोनों साइड के हटा दे, तो यहां r बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास x/4 की जगह 2 आ जाएगा। तो ये क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको अंडर रूट में कर दिया, इसको क्या करेंगे हम अंडर रूट में x² / 4, तो ये आ जाएगा x/2। आर का मान हमारे पास आ गया, यानी इसकी त्रिज्या क्या आ गई हमारे पास x/2, और इसकी भी त्रिज्या कितनी थी x/2 थी क्लियर। तो अब हमें पूछा क्या है त्रिज्याओं का अनुपात, तो हमारे पास पहली त्रिज्या का अनुपात क्या है x/2 ठीक है, और दूसरी त्रिज्या का अनुपात की भी क्या है x/2, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास रेशियो क्या आ गया 1:1, मतलब 1:1 का अनुपात है इनकी त्रिज्याओं के बीच, बस यही तो पूछा गया है क्लियर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये अगला टाइप है गोला और बेलन। अक्सर इस टाइप से ज्यादा मैंने क्वेश्चन देखे हैं एग्जाम में कि एक गोलक का व्यास 6 सेंटीमीटर है, एक हमने क्या बना दिया, ये गोला बना दिया और उसका व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, जिसे पिघलाकर 0.1 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में ढाला जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक ये तार बनाया गया है और तार की जो त्रिज्या है या व्यास दिया है, यहाँ पर व्यास कितना है 0.1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या मतलब 2 कर देंगे तो ये हो जाएगी त्रिज्या क्लियर। तो अब इसका व्यास तार की हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है, यानी हमें h ज्ञात करना है। देखो ये क्या है गोला और ये क्या बल गया हमारे पास बेलन, तो हमें बेलन के रूप में गोले को ढालना है। तो अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, जितना ये मटेरियल है उतना मटेरियल ये होगा क्लियर, जितना ये मटेरियल है उतना ही मटेरियल ये होगा, अगर इसको पिघला दें तो ये बन रहा है, तो इन दोनों के आयतन को हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं। गोले का आयतन क्या होता है, हम जानते हैं कि गोले का आयतन होता है हमारे पास 4/3 πr³, यही होता है ना गोले का आयतन, और ये बराबर किसके होगा, इस बेलन के आयतन के बराबर, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² h, ये हम जानते हैं, बस इतना आपको समझ में आ गया तो आपको सब कुछ आ जाएगा। क्यों ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आयतन का मतलब होता है इसका ठोस पार्ट, इनका इसका अंदर का मटेरियल, और उसी प्रकार से इसका अंदर का मटेरियल, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि इसी से पिघला करके ये तार बनाया गया है क्लियर। तो बस इनको हमने इक्वल कर दिया, अब यहां से पाई कैंसल, और यहाँ 4/3 बचा, और गुणे यहाँ आर का मान कितना हमारे पास 3 है, तो 3 × 3 × 3 रख दिए क्लियर, बराबर ये आर का मान यहाँ पर कितना है, आर का मान दिया है, अगर हम इसको दशमलव को यहाँ हटा दें इससे हमें और आसान हो जाएगा, तो ये 20 1/20, ये दो बार क्योंकि स्क्वायर है, और एच नहीं पता हमें तो एच लिख दिया हमने वैसे ही का वैसा। अब ये 3 से ये 3 कैंसल हो गया, अब इसको पूरा इस साइड ले आएंगे तो h का मान आ जाएगा, तो h बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 × 9 और 9 × 4 = 36, 36 ये आ गया, और ये इस साइड जाएगा 2 × 2 = 4 और 00 इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 क्लियर। अब इसको 36 × 2 = 72 और 72 × 2 होता है आपका 144, तो ये आ गया 144 और 00, ये काय में आ गया आपका, ये काय में आ गया आपका सेंटीमीटर में ठीक है, सेंटीमीटर है, तो हमें इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 144 मीटर, ये आ गया आपका आंसर क्लियर। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको उसको ऐसे सॉल्व करना है क्लियर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में जिसमें पर्याप्त पानी भरा है,
और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस गोलाकार गेंद पूरी तरह डुबा दी जाती है, तदनुसार पानी के स्तर में ऊंचाई में कितनी बढ़ जाएगी। मतलब देखो ये आपका क्या है, सबसे पहले बेलन बना है और बेलन में कुछ पानी भरा है। अब हमें नहीं पता कि वो पानी कितना भरा है, कितना भी भरा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ पानी भरा है, ठीक है। और इसमें क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस गोलाकार गेंद पूरी तरह डूब जाती है। इसमें यहाँ पर ये गेंद डूब जाती है, तो उसके डूबने से पानी थोड़ा थोड़ा तो ऊपर आएगा, और वो कितना आएगा, इसके आयतन के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसका जितना भी एरिया होगा, जितना भी इसके अंदर मटेरियल होगा, उतना पानी ये ऊपर आ जाएगा, मतलब यहां तक आ जाएगा, समझ लो यहां से यहां तक पानी ऊपर आ जाएगा। तो इसका आयतन और इस गोले का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इतना एरिया का अगर हम किसको x मान लें कि x ऊंचाई तक ही ऊपर आ जाएगा, और इस गोले का आयतन ये बराबर होंगी, क्लियर। अब यहाँ ऐसी लॉजिक लगाना पड़ता है कि यार अगर थोड़ा सा सोचना अपने दिमाग से कि अब इसका हमें ये तो पता नहीं कि कितना स्तर है, अब सिर्फ इतना जो बढ़ेगा उतना अगर ऊंचाई हमें पता चल जाए या उसको हम x मान लें, तो हमें इसका त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आपको पता ही होगी क्योंकि दी है 24 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम x मान लें ऊंचाई को, तो इसका आयतन और इस गोले का आयतन बराबर होंगे। बस ये लॉजिक लगा लो आप, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां क्या करेंगे हम, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर वर्ग एच, क्लियर। और ये किसके बराबर होगा, गोले के आयतन की, तो गोले का आयतन कितना होता है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो अब यहां पर इसके लिए त्रिज्या कितनी है, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो यहां लिख दिया हमने पाई और 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 × 12 और एच का मान एक्स मान लिया हमने तो लिख दिया, और बराबर इस साइड 4/3 और गुणे पाई, ठीक है। और आर का मान कितना है, आर का मान इसमें दिया है 6, कितना दिया है 6, तो 6 × 6 × 6 ये कर दिया हमने। तो यहां से देखो कि जो कुछ भी कट रहा है इसको काट दो, ये पाई से पाई कैंसिल यही हो रहा, कर दो, ठीक है। अब देखो 6 × 12 6 × 12 ठीक है, 2 × 6 और 3 × 3 कैंसिल, और ये 2 × 2 = 4। अब बचा क्या, बचा हमारे पास ये x बराबर आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर, क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। और यही क्या है, यही है यहां से यहां तक की ऊंचाई। तो पानी के स्तर में कितनी ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी, पानी के स्तर में 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई बढ़ जाएगी। बस आ गया आंसर हमारे पास, बस वो जी कहता जाए वो आपको करते जाना। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई उतनी है जितनी एक गोले की त्रिज्या है। तो एक गोला बना दिया हमने, ठीक है, एक गोले की त्रिज्या उतनी है जितनी कितनी, जितनी की एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई है। तो एक लंब वृत्तीय बेलन हमने बना दिया और इसकी ऊंचाई कितनी है, जितनी एक गोले की त्रिज्या है, ठीक है। बस इतना आ गया आपको समझ में, दोनों का आयतन बराबर है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो अगर हमने इसको h माना है, या इसको अगर हम r मान लें ऊंचाई को, ऊंचाई को क्या मान लें, r मान लें, कैपिटल r, तो इसकी गोले की त्रिज्या भी क्या है, कैपिटल r ही होगी, क्योंकि उतनी बता दिया उसने। इसके बाद तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी, अगर हम स्मॉल r मान लें, ठीक है ना, बेलन की त्रिज्या हम कितनी मान लें, स्मॉल r। तो अब कह रहा दोनों का आयतन बराबर है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर वर्ग एच, ठीक है। और ये गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन जो हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्लियर। तो यहां सबसे पहले तो ये पाई से पाई कैंसिल कर दो, क्लियर। इसके बाद इसका मान रख दो, तो आर की वैल्यू क्या है, यहां पर बेलन में, बेलन में r की वैल्यू स्मॉल r है,
ठीक है, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, और एच का मान कितना है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर लिख दिया, बराबर 4/3 लिख दिया हमने आर। अब ये काय का आर है, गोली का है, गोली का आर मतलब कैपिटल आर का क्यू, ये आ गया आपके। तो देखो यहां से जो क्रॉस हो रहा है वो क्रॉस कर दो, अगर हम इसके आर से इसको क्रॉस करें तो ये स्क्वायर चला जाएगा, एक आर कट जाएगा ना, क्लियर। तो अब यहां पर बचेगा क्या, हमें स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, तो स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/3 और कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4/3 आर कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहां से क्या चीज बाहर आ जाएगी, यहां से 2 बाहर आ जाएगा और कैपिटल आर आ जाएगा, बचेगा क्या 1/√3, यही बचेगा ना, ये आ गई हमारे पास आर की वैल्यू, स्मॉल आर की, यानी क्या आ गया, ये बेलन की त्रिज्या आ गई आपके पास 2, क्लियर। तो ये तो अभी आई आपकी त्रिज्या। अब कह रहा उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, सबसे पहले हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे क्या करना पड़ेगा, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे क्या करना पड़ेगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो यहां पर अब हमें ज्ञात क्या करना है, लंब वृत्तीय बेलन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई 2πr और r प्लस h, ये हो गया लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बटे हमें क्या करना है, बटे करना हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr, ठीक है, यही होता है ना। तो सबसे पहले तो ये पाई से पाई कैंसिल कर दो, 2 + 2 = 4, ये भी कर दिया हमने। अब हमारे पास इसके मान रखना है, वो मान और रख देते हैं। तो मान कैसे रखेंगे, देखो ये काय का है, बेलन का, तो बेलन का आर, आर बराबर क्या है, यहां से हमने वही निकाला है, बेलन का क्या है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू आपकी ये आ गई, तो स्मॉल आर की जगह ये वैल्यू रख दो 2 और कैपिटल आर 1/√3 लिख दिया हमने। और यहां पर भी वही आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 कैपिटल आर अपॉन रूट थ्री, और प्लस प्लस कर दिया हमने एच, एच का मान कैपिटल आर है तो लिख दिया, बटे क्या लिखना है हमें, बटे लिखना है हमारे पास 2 और आर स्क्वायर, तो 2 किया हमने और आर का मान कितना है कैपिटल आर का स्क्वायर, क्लियर, ये आपके समझ में आ गया। इसके बाद आपको देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगी, और इस आर से और एक आर ही कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब हमारे पास बचा क्या, वो आप यहां लिख दो, बचा हमारे पास देखो यहां भी थोड़ा सा कर सकते हैं, अगर एक इसके नीचे एक मान ले, ठीक है, तो ये आर यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है, तो आर को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बाहर निकल आया आर, ठीक है ना, तो आर बटे और ये रूट थ्री नीचे आ जाएगा, तो ये पूरा बड़ा कर दें, तो यहां क्या बचा 2√3 + 1, क्लियर, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा आपका आर, ठीक है, और ये रूट थ्री नीचे आ गया, तो ये रूट थ्री हो गया। तो देखो ये आर से आर कैंसल हो गया, क्लियर। अब बचा क्या, देखो यहां पर देखो इसका अगर हम जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 आएगा एलसीएम, ठीक है ना, तो यहां क्या बचेगा 2 और प्लस ये आ जाएगा √3, क्लियर, यही होगा ना, और नीचे क्या बचा था आपका √3, तो ये फाइनल आंसर क्या जाएगा आपके पास, देखो ये √3 नीचे आ जाएगा, तो √3 और √3 का इनटू होगा तो 3 बचेगा, यानी 2 + √3/3, ये क्या आ जाएगा आंसर, ये क्या आ गया आपका आंसर। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 + √3/3, ये हो गया आपका आंसर। बस जो वो कहता जाए वो आपको करते जाना है, ऑटोमेटिक उसका आंसर आएगा, क्लियर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, गोला, शंकु और बेलन, इसमें तीनों चीजों को मिक्स किया है,
गोला शंकु और बेलन। अब एक शंकु, एक गोलार्ध और एक बेलन को समान आधार पर रखा गया है और उनकी ऊंचाइयां भी बराबर है, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल है। एक शंकु हमने रख दिया, ये शंकु बना दिया, ठीक है ना। इसके बाद एक गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब एक अर्ध गोला, एक गर्द गोला ये ले लिया। इसके बाद कह रहा है एक बेलन, तो एक बेलन को भी एक समान आधार पर रखा है, समान आधार पर रखा है। और इसके बाद यहाँ पर दिया है इनकी क्या है कि सबकी ऊंचाइयां क्या है बराबर है, सबकी ऊंचाइयां क्या है बराबर है। तो देखो अगर ये इसको आर मान ले, क्योंकि ये त्रिज्या होगी ना इसकी और ये भी त्रिज्या होगी, तो अगर इसकी ये आर होगी तो ये इसकी एच भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, और इसकी भी एच वाली क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब क्या है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या होंगी, बराबर होगी। क्यों, इस गोले ने उसको प्रूव कर दिया कि अगर गोले की त्रिज्या आर है, ठीक है, अगर गोले की त्रिज्या आर है या गोले की त्रिज्या ऊंचाई को हमने अगर आर मान लेते हैं क्योंकि तो त्रिज्या के बराबर होगी, तो इसकी भी ऊंचाई आर होगी और इसकी भी ऊंचाई आर होगी और इसके बराबर ये है। और कह रहा ये सभी क्या है, समान आधार पर रखा है। समान आधार मतलब एक ही आधार पर रखे हैं, ठीक है। तो कह रहा इनकी ऊंचाइयां बराबर हैं, इनके आयतन का अनुपात ज्ञात करो। आयतन क्या होगा, क्यों हम जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर वर्ग एच। और इसके रेशियो किसका दिया है कि एक अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 4/3 और यहाँ होगा पाई आर क्यू। पूरे गोले का आयतन क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, यहाँ 2/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा पाई आर वर्ग एच, ये हो गया बेलन का आयतन, ठीक है। अब यहां से देखो पाई से पाई कैंसिल, ये तीनों में कैंसिल हो गया क्योंकि रेशियो में है ना। इसके बाद देखो यहाँ और कुछ कैंसिल हो रहा है, अब इसके मान रख देते हैं, हम मान रखेंगे तो 1/3 और आर का मान क्या है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि सब में आर भी क्या है, समान है, समान आधार पर है, जैसे कि ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन बना दिया हमने और यहीं पर क्या है ऐसे एक शंकु भी बना है, समझ में आया, यहीं पर एक ऐसे गोला भी बना है, मतलब वो क्या है, ये आधार समान है, समझ में आया। तो यहां पर मतलब जिसकी त्रिज्या, सबकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी और सबकी ऊंचाई भी बराबर होगी, और त्रिज्या किसके बराबर है, ऊंचाई के बराबर। तो ये हमने सभी में ऊंचाई का मतलब यहां पर क्या है, आर से, तो आर लिख दिए, ठीक है। और इसका रेशियो किसके बराबर है, आर क्यू, तो यहां 2/3 और आर का क्यू, और ये रेशियो आर का स्क्वायर इंटू एच का मान भी कितना है, आर के बराबर, तो रख दिया हमने। अब देखो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर और यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर से ये आर कैंसिल और ये आर कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, बचा हमारे पास जो उसको वैसे के वैसे ही लिख दो आप, तो हमारे पास क्या बचा, 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो, यहां तो सब खत्म हो गया तो 1 बचा, ये आ गया आपका अनुपात। अगर इसको सही में कन्वर्ट किया जाए, इसको रेशियो को सही किया जाए थोड़ा सा, तो देखो ये इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहां हो जाएगा 1/2/3, ये हो जाएगा इसका अनुपात। ये भी आंसर सही है, ये भी ये रेशियो 1 निकल के आया है, लेकिन जब इसका एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और यहां मतलब 3 का 3 में भाग देंगे तो कितना, 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा तो 1, 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 2 में गुणा 2 और 3 का 1 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 1 में गुणा तो 3, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर, क्लियर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, यदि उनके वक्र पृष्ठ 8:5 के अनुपात में है तो आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। तो यहां पर क्या दिया है, देखो ये मान लीजिए ये हमने बना दिया सबसे पहले क्या, बेलन, ठीक है, ये हमने बना दिया बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है, मतलब वही कंडीशन है कि इसी को ऐसे बना ले, तो देखो इसकी ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या और इसकी आधार की त्रिज्या सेम है,
ठीक है। तो कह रहा है यदि उनकी वक्र पृष्ठ का अनुपात कितना है, 8:5 के अनुपात में है, तो आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करो। तो कुछ नहीं है, दोनों के वक्र पृष्ठों का अनुपात दिया है, तो हम पहले लिख दें बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बटे क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का पृष्ठ, ये दोनों किसके बराबर है, 8:5 के बराबर है, ठीक है ना। तो ऊंचाई त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRh, ठीक है। लेकिन जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है πRL, ठीक है ना, और ये बराबर किसके है, 8/5 की। अब यहां देखना, आप पाई से पाई कैंसल हो गया, और ठीक है आर बराबर है दोनों में, इसलिए आर से आर भी कैंसल हो गया। अब बचा क्या, 2h/L बराबर 8/5। लेकिन हमें अनुपात किसका चाहिए था, त्रिज्या और ऊंचाई का, लेकिन यहां मिल क्या रहा हमारे पास, h है और l है, तो हम l कहां से लाएं, हमें l का यहां कोई काम नहीं, हमें ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे इसको, देखो यहां l अगर हमें को निकालनी है तो हमें पता है कि इसकी जो त्रिज्या है, जो l की वैल्यू जो निकालनी है हमें, त्रियक ऊंचाई, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, l की त्रियक ऊंचाई हमें अगर निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, l का स्क्वायर बराबर क्या होता है, h का स्क्वायर और प्लस r का स्क्वायर, ये तो हमको पता है ना। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं कि दोनों ओर का अगर हम वर्ग कर देंगे तो 2×2=4 और h, ऐसे हमने दोनों ओर का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, दोनों ओर का वर्ग कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 4h² / l² क्लियर। और यहां क्या हो जाएगा, 8×8=64 और 5×5=25, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो अपने पास फाइनल क्या आ गया, 4h² / l² 64/25, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम दिमाग लगाएं कि यहाँ l स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो अब l स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख सकते हैं हम, तो यहाँ हो गया 4h² / l² की जगह क्या लिख सकते हैं हम, h² + r² और बराबर किसके है, 64/25, क्लियर। तो ये आ गया आपको समझ में। अब आपको क्या करना है, इसका त्रियक गुणा कर दो, यानी इसका इस साइड और इसका इस साइड, ठीक है। तो ये 25×4 को क्या हो जाएगा आपका, 100h² और बराबर इस साइड ये आ जाएगा, तो 64h², ठीक है, प्लस ये 64 का r में होगा, 64r² क्लियर। इसके बाद क्या करना है आपको, अब h वाली वैल्यू इस साइड ले आओ, तो 100h² माइनस इस साइड आएगा 64h² और बराबर क्या हो जाएगा, 64r² क्लियर। अब इसको इससे माइनस कर देंगे अगर हम, तो कितना बचेगा हमारे पास, 36h² बराबर हो जाएगा आपका ये 64r², ठीक है ना। अब इसको अगर हम और सॉल्व करें, क्योंकि तो हमें चाहिए क्या, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो त्रिज्या ये है और ऊंचाई ये है, मतलब हमारे पास कॉम्बिनेशन तो सही आ गए, तो हम इनको ऐसा रख सकते हैं, r का स्क्वायर बटे नीचे h का स्क्वायर आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये यहां था 36 / कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। अब इसको हम काट दें, तो 9×36 और यहां पर हो जाएगा 16×64, ये आ गया। अब देखो अगर हम इसका r/h निकालें तो क्या है, 3×9 और यहाँ 4×16, यानी r/h का रेशियो जो आ गया वो आ गया आपके साथ 3:4। तो इस टाइप से जैसा वो कहता जाए वैसा करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपको बहुत शॉर्ट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा खींचा है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ में आ जाए, है नहीं इतना टफ, क्लियर। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, मतलब इतना टफ भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा और क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ लेवल का था।
क्लियर। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अब हम टॉपिक करेंगे अगला स्टार्ट। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप मुझे सजेस्ट करें कि अब मैं कौन सा टॉपिक उठाऊं। मुझे लगता है कि मुझे त्रिकोणमिति स्टार्ट करनी चाहिए। थैंक यू मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।